वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राधा मदन मोहन देव जू की जय। श्रीमद वृंदावन धाम की जय। श्री पद्यावली ग्रंथ की जय। श्री निताय गौर हरि वो श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते पुराण पुरुषोत्तमाय। ओम जयति पराशर सूनु सत्यवती हृदय नंदनो व्यासो यस्यास्य कमलगलतम वाग्मय ममतम जगत्पिबती विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षतम श्रीकृष्णाक्षं परम धाम जगद्धाम नमामि तत् हृदयस्य प्रेरणया प्रवर्तितोऽहं बराक रूपोऽपि तस्य हरेः पदकमलं वन्दे श्रीचैतन्यदेवस्य वन्देऽहं श्रीगुरोर्श्रीयुत्पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललता श्री विशाखान्वितांश्च आजानलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वंभरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वंदे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ जयतां सुरतौर्पंगोमौ मन्दमतेर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोजौ श्रीराधामदनमोहनौ नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भट्टियुग्म सुमते रघुनाथ दास श्रीजीव मे कुरुत मंद मतेर्दयां द्राक् तुलसी काननम यत्र यत्र पद्मवनानि च पुराण पठनम यत्र तत्र सन्निहितो हरि बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री पद्यावली ग्रंथ श्री रूप गोस्वामी पाद द्वारा कालजयी वे रचनाएं जिनमें श्री कृष्ण भक्ति उसका सार विराजमान है, उसकी भावना विराजमान है, और जो रचनाएं अपूर्ण रूप से रस से परिपूर्ण हैं, ऐसी रचनाओं का श्री रूप गोस्वामी जी ने संकलन किया। ये 388 रचनाएं हैं जो विभिन्न कवियों की थी, महापुरुषों की, और उन रचनाओं को श्री गोस्वामी जी ने
विषय बार उनका संकलन किया, विषय के अनुसार उनका संकलन किया है। और ये ग्रंथ यहाँ परिपूर्ण होने पर है, आज या कल के प्रकरण में ये पूर्ण हो जाएगा, होली का अवसर है, इसके बाद में हम श्री होली लीला श्री वो उसका आस्वादन लेंगे। श्री गोवर्धन भट्ट गोस्वामी पाद का एक होली लीला का बड़ा सुंदर ग्रंथ है मधुकेलवल्ली, उस मधुकेलवल्ली को हम ग्रहण करेंगे, जो कि श्री आनंद वृंदावन चंपू की होली लीला से प्रभावित होकर के श्री गोवर्धन भट्ट गोस्वामी पाद ने लिखा। श्री गोवर्धन भट्ट गोस्वामी पाद ये 17वीं शताब्दी के अंत में प्रकट हुए, आज से 250 वर्ष पहले, करीब 300 वर्ष पहले श्री गोवर्धन भट्ट जी प्रकट हुए, और उनका बहुत सुंदर ये एक महाकाव्य है, 6 सर्गों का उनका फिर एक दिन के बाद में होली लीला का अवसर चल रहा है तो उसका फिर गायन करें, इस ग्रंथ को पूरा करें। 370वां श्लोक है, पद्य है। पूर्व प्रसंग में ये निरूपण किया गया था कि भारतीय परंपरा में नायकागत प्रीति का वर्णन पहले किया जाता है, नायकगत प्रीति का वर्णन पहले बाद में होता है, क्योंकि रस की जो लहर है उसमें रसकों की पद्धति यह है कि रस की प्रथम लहर आती है सखियों में, सखीगण चाहती हैं कि श्री प्रियालाल के मधुर विलास का हम दर्शन करें, तो सखीगण श्री प्रिया जी के आगे श्याम सुंदर की शोभा का गायन करती हैं, तब श्याम सुंदर में द्वितीय लहर रस की आती है और उनमें चंचलता प्रकट होती है, हरे कृष्ण हरे राधे राधे। अच्छा उनका कुछ थोड़ी डिस्टेंस है उसमें, प्लग इट आउट एंड देन प्लग इट इन। क्या अब आ रही है डिस्टर्बेंस आ रहे? अच्छा अच्छा, तो रस की द्वितीय लहर श्री श्याम सुंदर में आती है, प्रथम लहर सखियों में, क्योंकि जितना भी रस है वो सखियों का रस है, ये हम सब रसिक जन ये आदेश दे रहे हैं कि जो रस है वो रस सखियों का है, इसकी मुख्य भोक्ता सामाजिक ऑडियंस इसकी सखीगण है, ये प्रियालाल अपने लिए कोई रस नहीं है, जितना भी रस है वो सखियों के लिए है, सखियों के आधार पर ही सखी जैसे नचाती हैं प्रियालाल वैसी ही लीलाएं करते हैं, तो रस की भी 4 लहर हैं, पहली लहर आती है रस की सखियों के हृदय में कि श्री प्रियालाल के मधुर विलास का हम दर्शन करें, सखी जिस समय श्री किशोरी जी के आगे उस श्याम सुंदर की शोभा का या वृंदावन की शोभा का वर्णन करती हैं, तो श्याम सुंदर में द्वितीय लहर उत्पन्न होती है और वो लहर उत्पन्न होती है श्री प्रिया जी में, द्वितीय लहर उत्पन्न होती है श्री प्रिया जी में, श्याम सुंदर के प्रति ढोरन प्राप्त होती है, माने थोड़ी सी अनुकूलता श्री प्रिया दिखाती हैं, और प्रिया की अनुकूलता का दर्शन देख करके उनका ढोरना पोरिंग टुवर्ड्स श्री श्याम सुंदर, तो उसके उनके वो ढूंढने को देख करके श्री श्याम सुंदर में रस की 3री लहर आती है, और रस की 3री लहर आकर के श्याम सुंदर में चंचलता उत्पन्न होती है, और चंचलता देख करके फिर 4थी लहर उसका मुख्य रूप से आस्वादन करने वाली सखीदार है, तो श्री श्याम सुंदर के माथुर विरह के का यहां निरूपण किया गया, 4 प्रकार के मिलन है और 4 प्रकार के विरह हैं। पूर्वराग के पश्चात जिस मिलन की प्राप्ति होती है, पूर्वराग माने अभी मिलन नहीं हुआ है, एक दूसरे का खाली दर्शन हुआ है, परिचय मात्र हो गया है, परंतु अभी मिलन नहीं हुआ है, उस स्थिति का नाम है पूर्वराग।
उस पूर्ण राग के बाद में जिस विरह की प्राप्ति होती है वो विरह है कहीं संक्षिप्त, मान के पश्चात जिस मिलन की प्राप्ति होती है वो है संकीर्ण, संक्षिप्त संकीर्ण। तीसरा जो मिलन है वो है प्रवास के पश्चात, श्याम सुंदर लौट करके आ रहे हैं उस समय जिस मिलन की प्राप्ति होती है वो है संपन्न। हमारे ब्रज में श्याम सुंदर का गाय चराने के लिए जाना यही प्रवास है। ब्रजवासियों को ऐसा लगता है जैसे कहीं श्याम सुंदर परदेश गए हैं, व्याकुल हो रहे हैं, और दूर प्रवास के पश्चात जिस मिलन की प्राप्ति होती है उसका नाम है समृद्धिमान संयोग। दुर्लभा लोकी और यूनो हो पारतंत्र्या विमुक्ते हो संभोगाते को यह उच्चते समृद्धिमान। तो जो संभोगाते रेक है माने दूर जाने पर प्यारा आ नहीं पाया और बड़े कठिन से अब लौट करके आया है या उससे मिलन हुआ है, उस समय जिस मिलन की प्राप्ति होती है वो है समृद्धिमान संयोग। तो ये चार प्रकार के संयोग हैं। यहाँ पर दूर प्रवास की स्थिति में श्री श्याम सुंदर की ब्रज में जैसी प्रीति है उस ब्रज की प्रीति का इस 370 में श्लोक में श्री कोई कवि श्री शरण नाम करके कोई कवि हैं, उन्होंने ये वर्णन किया है कि कामम कामय ते नकेल नलिनी ना मोदते कौमुदी निस्यंदे न समीहते मृगदशाम आलाप लीलाम अपि सीदन एष निशास निस्सहतनु भोगाभिलाषई लसई रंगैस्ताम्यत चेतसी व्रजवधूम आधाय मुग्धो हरि। वे हरि, हरि का तात्पर्य है जो चित्त का हरण कर ले। सामान्यतः महामंत्र में भी हरे कृष्ण जो है उसके दो अर्थ हैं, एक है पाप को दूर करने वाला और दूसरा चित्त को आकर्षित करने वाला। यूँ तो अनेक अर्थ हैं हरि के, परंतु पाप को दूर करने वाले और चित्त को आकर्षित करने वाले हरे कृष्ण, हरे कृष्ण में हरि शब्द जो है वो उसका तात्पर्य दो ही है। तो श्री यहाँ पर हरि शब्द का अर्थ है वही चित्त को हरण करने वाले, गोपियों के चित्त को हरण करने वाले वे श्री हरि। कामम कामयतेन केल नलिनी, पर्याप्त मात्रा में केल नलिनी क्रीड़ा के लिए दी गई कमल कमलनी उसकी भी इच्छा नहीं करते हैं। कोई वहां पर द्वारका में श्री कृष्ण ब्रज के वियोग में व्याकुल हैं और यदि कोई उनको भक्त केल नलिनी प्रदान करता है क्रीड़ा करने के लिए कमलनी प्रदान करता है, श्री श्याम सुंदर उठा करके यूं ही रख देते हैं, उसको चाहते नहीं। जबकि ब्रज में वो केल नलिनी बड़ी सेवा में काम आती थी। श्री प्रिया जी के ऊपर यदि कोई भ्रमर आ रहा है तो उस भ्रमर की ताड़ना करने में उस कमलनी से ही श्री श्याम सुंदर ताड़ना करके उस भ्रमरी को भ्रमर को दूर करते थे। वो श्याम सुंदर के हाथ में जो केल नलिनी है क्रीड़ा करने के लिए जो हाथ में लेकर के वो बे कमल घुमा रहे हैं वो कहीं संकेत के काम में आती थी। रसकों ने वर्णन किया है एक जगह के श्याम सुंदर जब गैया चरा करके लौट रहे हैं और श्री प्रिया जी गवाक्ष में बैठी हुई श्री श्याम सुंदर का दर्शन कर रही हैं और नयनों से पूछ रही हैं कि श्याम सुंदर आहा दर्शन करने पर अभी संतुष्ट नहीं हुआ, कब आपसे मिलन होगा। और उस समय श्री श्याम सुंदर भी व्याकुल हो रहे हैं और श्री प्रिया जी उनके हाथ में कमलनी है। श्याम सुंदर तो गैया चरा रहे हैं, प्रिया जी के हाथ में कमलनी है। तो श्री प्रिया उस कमलनी जो खिली हुई कमलनी है उसको नीचे से पकड़ करके बंद करती हैं और मानो ये संकेत करती हैं कि श्याम सुंदर जिस समय सूर्यास्त हो जाएगा और सूर्यास्त होने पर कमलनी बंद हो जाएगी उस समय मैं आपके पास में अभिसार करूंगी। तो दूर से ही ये संकेत हो जाता है। तो कमलनी बड़े काम की चीज है,
श्याम सुंदर के हाथ में जो कमल नहीं है वो श्री प्रिया के ऊपर आने वाले भौरे का ताड़न करने में काम में आती है। प्रिया जी के हाथ में जो कमल नहीं है वो कमल नहीं कहीं संकेत करने के काम में भी आती है। तो यहां पर कामम कामयते न केन नलिनी, श्री श्याम सुंदर को यदि कोई महषी, रुक्मणी जी, सत्यभामा जी, कोई भी महषी, पद्मा जो नागदित्य जी आदि, शैव्या जी आदि, कोई भी कोई वस्तु प्रदान करती हैं, कमल नहीं प्रदान करती हैं तो श्री श्याम सुंदर नहीं चाहते। ना मोदते कौमुदी निस्यंदी, कौमुदी माने चांदनी, चांदनी से जो अपूर्व अमृत टपक रहा है बड़ा अच्छा लगता है चांदनी में घूमना, परंतु श्री श्याम सुंदर ना मोदते कौमुदी निस्यंदी, निस्यंद माने टपकना, चांदनी से टपकने वाले जो अमृत है उस अमृत में भी आनंदित नहीं होते हैं, मोद की प्राप्ति नहीं होती। निस्संद माने रस का टपकना, तो उसे जो अमृत की बूट टपक रही हैं ऐसा माना जाता है कि चांदनी जो है वो बड़ी प्रिय है और उसे अमृत कहीं टपक रहा है, तो उसको भी श्री श्याम सुंदर नहीं चाहते। न समीहते मृग दशाम आलाप लीलाम अपि, मृग दशाम मृग शरीर के नेत्र वाली श्री द्वारिका की इतनी महसी हैं, सुंदरी हैं, परंतु उनके न समीह से मृग दशाम आलाप लीला, उनकी आलाप लीला को भी श्री श्याम सुंदर नहीं चाहते हैं, उनके साथ में जो आलाप है उस आलाप को भी वे नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते। तो ना मोदते आलाप लीला अपि, आलाप लीला को भी वे नहीं चाहते, अर्थात उनके साथ में वार्तालाप करना भी श्री श्याम सुंदर को अच्छा नहीं लगता है। सीदन एश निशास निस्सहतन, आज निशास माने रात्रि में, सीदन माने श्री श्याम सुंदर दुखी होते हैं, दुख पा रहे हैं, सीदति और निस्सहतन भोगाभिलाषे, और भोग की अभिलाषाओं से युक्त, भोगाभिलाषई रंगई, भोग की अभिलाषाओं का जो रंग माने आनंद, उस आनंद को भी निस्सह उनको श्री श्याम सुंदर सहन नहीं कर पाते हैं। तो निस्सह तनु भोग की अभिलाषाओं से के रंग को भी वे निस्सह माने सहन नहीं करते हुए ताम्यति दुखी हो रहे हैं। चेतस ब्रजवधूम आधाय मुग्धो हरि, ऐसे बेहरी मुग्ध होकर के आज ब्रज गोपिकागणों का ही निरंतर निरंतर चित्त में ध्यान करते हैं। तो द्वारका में श्री कृष्ण चित्त ध्यान कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ब्रज गोपिकागणों का प्रेम इतना श्रेष्ठ है कि ब्रज में जब श्री श्याम सुंदर हैं तो उन्हें रुक्मणी जी की स्मृति नहीं है, परंतु रुक्मणी जी के पास में है तो ब्रज गोपिकागणों की स्मृति है। ब्रज में भी यदि राधिका के पास में है तो अन्य युथेश्वरी श्री चंद्रावली जी आदि की श्याम सुंदर को स्फूर्ति नहीं है, परंतु तो चंद्रावली जी की यूथ में जब होंगे तो श्री राधा रानी की स्फूर्ति बनी रहेगी। इस प्रकार श्री राधिका की स्फूर्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। तो निस्सह तनु श्री श्याम सुंदर उस समय परम कोमल शरीर वाले हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है, भोगाभिलाषई भोग की अभिलाषाओं से युक्त अंगई माने अंग वाले वे श्री श्याम सुंदर ताम्यति दुखी हो रहे हैं। चेतस ब्रज वधूम आदाय मुग्धो हरि, अब ब्रज वधूम आदाय, इसका कहने का तात्पर्य है कि परकीय प्रेम यहां पर ब्रज वधू शब्द के द्वारा अपने आप संकेतित हो रहा है कि ब्रज की कोई वधू है उनके प्रीति को अपने हृदय में धारण करके वे व्याकुल हो रहे हैं। तो ये जो बाध्यमानता जिसमें बाधाएं हैं, ऐसे बाधाओं से युक्त जो प्रीति है वो प्रीति श्री श्यामचंदर को बहुत ही आकर्षित करती है, और उसमें तीव्रता जितनी ज्यादा है उतनी दाम्पत्य प्रेम में तीव्रता नहीं है।
यद्यपि मिलन के समय श्री श्याम सुंदर पर के अभाव को भूल जाते हैं, जब श्री प्रातःकालीन योगपीठ आप पीरी पोखर में या गुप्तकुंड में जब मिल रहे हैं, तो जब सखियों से सेवित हैं उस समय उनको ये ध्यान नहीं है कि इस निकुंज के बाहर भी कोई लीला है। उस समय तो परम सुया होकर के प्रीति करते हैं, परंतु जब तक निकुंज में घुसे नहीं, प्रियालाल आए नहीं हैं, तब तक उनको वृज की प्रीति के द्वारा बाधा रहेगी। तो मत्कामा रमणम जारम मत्स्वरूप विदो बला ब्रह्ममाम परमम प्रापु हो संगाक्षत शास्त्र सा। सत्संग की महिमा का प्रसंग चल रहा था एकादशी स्कंद में, और ठाकुर वर्णन करने लगे गोपियों के प्रेम का। ये प्रेम की प्रसंग आया, गोपियों का जरा सा उदाहरण आया कि नित्य सिद्धाओं के संग को प्राप्त करके जो साधन सिद्धाएं हैं वे साधन सिद्धागण भी मुझे प्राप्त हो गई। तो सत्संग की महिमा के प्रसंग में तनिक सा गोपियों का प्रसंग आया और श्री श्याम सुंदर भूल गए और गोपियों का वर्णन करने लगे, और उसमें कह रहे हैं कि तत्वत गोपी मत कामा रमण, मेरी कामना रखते हुए रमण रूप में ही मेरी आराधना करती हैं, पंत जारम उनके आस्वादन की पद्धति एक ऐसी है कि उसमें जार भाव होने पर हैं परमस्विया, परंतु परमस्विया होते हुए भी जार भाव को धारण करके ही वे श्री श्याम सुंदर की को प्राप्त करती हैं, क्योंकि जार भाव में वारिमार्ता होने पर तीव्रता और ज्यादा हो जाती है। तो अंगई ताम्यति, तो श्याम सुंदर के अंग तप रहे हैं, और चेतस ब्रज वधु आदाय, ब्रज वधु उनको हृदय में धारण करके वे ताम्यति माने दुखी हो रहे हैं, मुग्ध हरि श्री श्याम सुंदर अत्यंत अत्यंत मुग्ध है। दोबारा देखें, कामम कामयते न केल नलनी, क्या सुंदर अनुप्रास, कामम कामयते न केल नल का ककार की अनुवृत्ति है। तो ये पदशैया इनके इन कवियों के पीछे पीछे सरस्वती जैसे सेवा करने के लिए सदा उपस्थित रहती है, और अपने आप शब्द उचित आ जाते हैं, जहाँ पर कहीं भी कर्ण कटुता नहीं है, सुनने में एकदम मिश्रण बिल्कुल स्मूथ जो भाषा है वो भाषा उसने पूरी तरह से आ रही। तो कामम कामयते न केल नलनी, काम माने पर्याप्त मात्रा में, श्री कृष्ण केल नलनी माने हाथ के कमल को भी नहीं चाहते हैं, नामोदते कौमुदी निस्यंदी, और चांदनी से जो निस्यंद हो रहा है टपक रही है अमृत की बूंदें, उनमें भी आनंदित नहीं हो रहे हैं, न समीहते मृगदशाम आलाप लीलाम अपि, मृगदशाम मृगशरी के नेत्र वाली सुंदरी रानियों के साथ में जो आलाप लीला है उनके साथ में बतरस, उस बतरस को भी श्री कृष्ण नहीं चाहते हैं। सीदंगेश निशासु, रात्रि में श्री श्याम सुंदर दुखी ही हो रहे हैं, निस्सहतनु वे व्याकुल शरीर वाले हो जाते हैं, भोगाभिलाषई भोगाभिलाषा आलसई ही अंगई साम्यति, भोग की अभिलाषा को धारण करने वाले श्री ब्रज गोपिका गणों के साथ में मिलन की अभिलाषा को धारण करने वाले अंगों से वे ताम्यति माने दुखी हो रहे हैं, चेतस ब्रजवधु आधाय, और चित्त में ब्रजवधु उनका ही उन्होंने भाव धारण कर रखा है, उनका स्मरण ही धारण किया हुआ है, ऐसे वे श्री हरि प्रेम में मुग्ध हो रहे हैं, प्रेम में मोहित हो रहे हैं, हैं वे हरि सबके चित्त को आकर्षित करने वाले हैं, पाप ताप को भी दूर करने वाले हैं, और पृथ्वी का भार दूर करने के लिए अभी द्वारका में रुके हुए हैं, परंतु उनका चित्त ब्रज में ही लग रहा है। तो इतनी सारी वस्तुओं को लेकर के श्री कृष्ण कहीं दुखी ही हो रहे हैं, ये स्वभावोक्ति अलंकार का यहां पर वर्णन है। एक विरही के कृष्ण के विरह में उनका जो सहज स्वभाव है, उनकी जैसी सहज चेष्टाएं हैं, उन चेष्टाओं का यहां पर निरूपण किया गया। और विरोधाभास अलंकार उसको भी यहां पर देखा जा सकता है कि है सब सुख की चीज,
परंतु सुख की चीज भी उनको कहीं दुख देने वाली है और ताम्यति कष्ट प्रदान करने वाली है। ये ऑक्सीमोरन वो यहां पर विरोधावास यहां पर प्रकट हो रहा है। अब आगे कह रहे हैं, रत्न छाया छुरित जलधौ मंदिरे द्वारिकायाम द्वारिकाया रुक्मण्यापि प्रबल पुलकोद्भेद मालिंग तस्यो विश्वम पायान मिश्रण यमुना तीर मानी रुकुंजे राधा केली परमल भरत ध्यान मूर्छा मुरारे। श्री मुरारी की, श्री राधिका की केली, श्री राधिका के साथ में आपका जो विलास है, उस विलास की परमल माने सुगंध, उस सुगंध मात्र के का ध्यान करके, श्री राधिका की केली की सुगंध मात्र का ध्यान करके, अर्थात केली साक्षात नहीं है परंतु स्मृति मात्र में श्री राधिका, सुगंध का मतलब स्मृति मात्र में श्री राधिका की केली का ध्यान करके, यमुना तीर बानीर कुंजे, यमुना के किनारे की बानीर माने बैंत की जो कुंजे हैं, बांस में बड़ी सुंदर सुगंध आती है, बांस में फूल लगते हैं तो सुगंध बहुत सुंदर आती है, तो बानीर कुंज जो है बैंत की जो कुंज है यमुना के किनारे की, उनमें श्री कृष्ण राधिका की केली की सुगंध का ध्यान करके कृष्ण को जो मूर्छा आ रही है वो मूर्छा विश्वम पायात, ये मूल क्रिया है, सारे विश्व का कल्याण करे, सारे विश्व का ही कल्याण करे। अब यहां पर विश्व शब्द का तात्पर्य है जो रसिक जन है उनका कल्याण करे। जैसे एक बाकी के बोल रहा हूं मैं कि यज्ञ हो रहा है और उसमें कहें पहले सभी ब्राह्मणों को भोजन करा दो, पहले ब्राह्मणों को भोजन कराओ, तो ब्राह्मण का मतलब ब्राह्मण जाति नहीं होगा, सेलेक्टेड ही होंगे, जिन लोगों को यज्ञ में निमंत्रण दिया गया है उन ब्राह्मणों को भोजन करा दो, कोई विश्व के ब्राह्मणों को बुलाने के लिए थोड़ी जाएंगे, करोड़ों में होंगे वे तो तो उनको भोजन कहां से कराया जाएगा, परंतु कोई कहे सभी ब्राह्मणों को भोजन करा दो तो इसका मतलब है जो जिनको नौता दिया गया है ऐसे ब्राह्मणों को भोजन करा दो। ऐसे विश्वम पायात का तात्पर्य है जिनके ऊपर किशोरी जी की कृपा हो गई है, जो वैष्णव हैं, ऐसे वैष्णव विश्व का कल्याण करे, हरे का कल्याण नहीं होगा, ये मधुर लीला जो है वो हरे का कल्याण करने वाली नहीं होगी, ये लीला विश्वम पायात मन सारे विश्व का कल्याण करे, इसका मतलब है जो रसिक जन है उन रसिक जनों का ही कल्याण करे। तो विश्व का तात्पर्य यहां पर कहीं चुना हुआ ही होगा, प्रकरण के अनुसार जो विश्व है उसको ही यहां पर लिया जाएगा, क्योंकि जो अनधिकारी हैं उनका, उनके लिए ये लीला नहीं है, ये लीला अधिकारियों के लिए ही है। रत्न छाया छुरित जलधौ, हां तो कह रहे हैं रत्न छाया छुरित जलधौ मंदिरे द्वारकाया रुक्मण्यापि, अब श्री द्वारकाधीश उनका द्वारका में समुद्र के बीच में उनका महल है और महल जो है उसमें दीवाल जो है उसकी चार दीवारी, उस चार दीवारी में रत्न जड़े हुए हैं। अब जिस समय समुद्र की परछाई उन रत्नों में पड़ती है, प्रकाश उन रत्नों में पड़ता है, तो वो चार दीवारी, वो बाउंड्री और भी ज्यादा चमकने लगती है, उसकी और भी शोभा हो जाती है। तो समुद्र में प्रतिबिंबित और समुद्र के प्रतिबिंब को प्राप्त करने वाले, समुद्र से प्रकाश की किरणें जब समुद्र में आकर के उन दीवार पर पड़ती हैं तो वे और भी ज्यादा चमकने लगती हैं। तो रत्न छाया छुरित जलधौ, रत्न की छाया उससे, छुरित माने प्रकाशित, समुद्र है तो समुद्र में तो रत्न की छाया पड़ रही है, दीवार की छाया पड़ रही है और समुद्र की छाया दीवाल में पड़ रही है और उसे एकदम चमक रहा है, समुद्र की प्रतिबिंब जैसे वो दीवाल पर पड़ता है उस समय वो एकदम चमक रहा है। रत्न की छाया से छुरित माने चमकीला, जो जलधि
मन समुद्र है, उस मंदिर में मन श्री कृष्ण के द्वारका के भवन में रुक्मण्यापी मन इतना सुंदर महिमाशाली वो द्वारका का वैभव है और उसमें श्री कृष्ण विराजमान है और रुक्मण्याप प्रबल पुल को भेद मालिंग तस्यो और श्री रुक्मिणी उन्होंने प्रबल पुलक उनको धारण करके श्री द्वारकाधीश का अपने पति का आलिंगन कर रखा है। अब रुक्मिणी कहने का मतलब है कि श्री रुक्मिणी जी स्वयं भी तेज युक्त हैं और रुक्मिणी कहने का मतलब यह रुक्म माने सुवर्ण उनको जिन्होंने धारण कर रखा है। तो पहले तो रत्नाकर समुद्र है, फिर दीवाल जो है उसमें भी रत्न जड़े हुए हैं, समुद्र का परछाई दीवाल की परछाई पड़ रही है समुद्र में, समुद्र की परछाई पड़ रही है दीवाल में, इससे दुगनी चमक हो रही है और दुगनी चमक होने पर फिर उस दुगनी चमक के बीच में श्री रुक्मणी जी वे भी सोने से लदी हुई हैं, रत्नों से लदी हुई हैं और वे रुक्मणी जी जब अपने भुज माल को श्री श्याम सुंदर को धारण कराती हैं, द्वारकाधीश को धारण कराती हैं, तो श्री श्याम सुंदर की चमक और भी होनी चाहिए, परंतु श्री श्याम सुंदर श्री विश्वानंदिनी रासेश्वरी श्रीमत महाभारत स्वरूपा श्री स्वामिनी उनका स्मरण करके मूर्छित हो रहे हैं। ऐसी श्याम सुंदर की मूर्छा विश्व का कल्याण करे अर्थात ब्रज के तत्व को जानने वाले जो रसिक जन हैं केवल उनका ही कल्याण करे। ये विश्व शब्द का यहां पर एक विशिष्ट अर्थ होगा कि जो अधिकार संपत्ति से युक्त हैं उनका वह पालन करते हुए विराजमान। विश्वम पाया मिश्रण यमुना, मिश्रण माने परम कोमल स्मूथ, मिश्र माने परम कोमल सुखदाई स्पर्श से सुखदाई, मिश्र माने स्पर्श में सुख देने वाले। विश्वम पायात मिश्र यमुना तीर बानीर कुंजे, स्पर्श में सुखदाई श्री यमुना के किनारे की जो बानीर कुंज जो बैतों की कुंज हैं उन बैतों की कुंजों से आने वाली सुंदर सुगंध, ऐसी सुगंध का स्मरण करके श्री मुरारी राधा केली की परमल उनका स्मरण करके ध्यान में मूर्छित हो गए। यहां पर एक अत्यंत रहस्यपूर्ण एक बात है कि श्री प्रियालाल जिस समय श्री निकुंज मंदिर में परस्पर मिलन प्राप्त करते हैं उस समय श्री श्याम सुंदर के श्रीअंग से भी कोई अपूर्व गंध प्रकट होती है और श्री स्वामिनी के श्रीअंग से भी कोई अपूर्व गंध प्रकट होती है। गंध गंध के साथ में मिल करके एक हो जाती है और जब गंध गंध के साथ में मिल करके एक होती है तो निताई गौर वो महाप्रभु का स्वरूप प्रकट होता है। एक स्वरूप का दूसरे स्वरूप के साथ में मर्ज होना संभव नहीं, फिजिकली माने कहीं संभव नहीं है, परंतु गंध का गंध के साथ में मिलकर के एक हो जाना वह संभव है। इसलिए श्रीमद् महाप्रभु के बहुत गंभीर बात है, ये रसकों के रहस्य की बात है, हृदय में ध्यान करने की बात है। तो रसकों के की ये भावना रही है कि जिस समय श्री युगल सरकार कहीं मिलते हैं उस समय श्रीमद् महाप्रभु का जो राधा कृष्ण मिलितनु प्रकट होता है वो मिलितनु कहीं मिलते हुए भी अलग हो ऐसा नहीं है, वो एकदम मिला हुआ स्वरूप है और एकदम मिला हुआ जो स्वरूप है वो स्वरूप जैसा गंध के माध्यम से मिलता है वैसा किसी दूसरे प्रकार से नहीं मिलता है। इसलिए रसकों ने निरूपण किया कि श्री निकुंज मंदिर में जहाँ श्री श्याम सुंदर के श्रीअंग के द्वारा कोई अपूर्व गंध प्रकट हुई, प्रिया जी के श्रीअंग के द्वारा दोनों के श्रीअंग, तो गंध का जो मिलन है वो जितना संश्लिष्ट होगा जितना अंतरंग होगा वैसा मिलन कहीं श्रीअंग का मिलन नहीं हो सकता है।
गंध का मिलन और भी ज्यादा अंतरंग होकर के विराजमान। यहाँ पर उसी ओर संकेत किया गया है, राधा जय हो, राधा केली परम, उस अति अंतरंग अवस्था में जो श्री प्रियालाल इनके श्रीअंग से जो केली की अपूर्व परमल प्रकट हो रही है, उस परमल मात्र का ध्यान करके श्री श्याम सुंदर यहां मूर्छित हो रहे हैं। और उनकी जो मूर्छा है वो मूर्छा सारे विश्व का कल्याण करे, अर्थात जो अधिकारी हैं, क्योंकि वहां तक अनधिकारी का तो प्रवेश है ही नहीं उस जगह, तो ये सारे विश्व का कल्याण करे। ये विश्व कहना ये उसी प्रकार है जैसे ये कहा जाए यज्ञ में कि ब्राह्मणों, सारे ब्राह्मणों को भोजन करा दो, तो सारे ब्राह्मणों का मतलब ब्राह्मण जाति नहीं है, वहां पर अधिकारी जो ब्राह्मण हैं उनको ही भोजन करा दे। ऐसे ही श्री विश्व का कल्याण करने के लिए श्री यमुनाष्टक की टीका में श्री विट्ठलनाथ जी ये कह रहे हैं कि विश्व का कल्याण करने के लिए जो श्री कृष्ण तीन रूपों में प्रकट हुए वे विश्व का कल्याण करें, ये उनकी एक श्लोक था। और उसकी टीका में भी कह रहे हैं कि श्री यमुना जी के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में और श्रीमद बल्लभ के रूप में, आचार्य आचार्य हैं श्री बल्लभाचार्य, इनके रूप में श्री कृष्ण ही तीन रूपों में जो आप प्रकट हुए वे तीनों रूप विश्व का कल्याण करें। तो विश्व का मतलब है अधिकारी जो व्यक्ति हैं उनका कल्याण करें, और उसमें विश्व शब्द का अर्थ उन्होंने यही कहा कि मन जो अधिकारी हैं उनका कल्याण करें, अनधिकारियों को तो वहां पर प्रवेश नहीं है। परंतु श्रीमद महाप्रभु का एक स्वरूप की एक विशेषता और है कि यहां पर महाप्रभु अनधिकारियों को पहले अधिकार भी देते हैं और फिर रस भी देते हैं, ये दोनों बात। तो ये बिना अनधिकारी को रस नहीं दिया जाएगा, पहले अधिकार भी देते हैं और फिर रस भी देते हैं। दोबारा सुन लें, रत्न छाया छुरित जलधौ, जल्दी माने समुद्र स्वयं ही रत्नागार है, रत्नाकर कहलाता है, समुद्र को रत्नाकर ही कहते हैं, तो समुद्र में भी रत्न है और श्री द्वारका के महल में भी सर्वत्र रत्न जड़े हुए हैं। ऐसे जल के बीच में मंदिरे द्वारकायाम श्री कृष्ण का महल है, माने द्वारका है, ऐसी द्वारका में रुक्मण ने आप प्रवल पुल को भेद मालिंग तस्यो, तो समुद्र की चलक भी पड़ रही है, वहां पर पहले से भी रत्न जड़े हुए हैं, समुद्र के रत्नों की चलक भी पड़ रही है और प्रकाश से प्रकाशित होकर के प्रकाश भी कहीं उन रत्न भित्तियों में प्रतिबिंबित हो रहा है, तो रत्न ही रत्न हो गए। और उसमें भी श्री रुक्मिणी जी जो स्वयं अनेक अनेक रत्नों और आभूषणों को धारण किए हुए हैं, वे भी प्रबल पुलक को प्राप्त करके, द्वारकाधीश के प्रबल रोमांच को प्राप्त करके श्री कृष्ण का आलिंगन कर रही हैं। परंतु आलिंगन करने पर श्री कृष्ण को जो रोमांच की प्राप्ति हो रही है वो रुक्मिणी जी के आलिंगन से रोमांच की प्राप्ति नहीं हो रही है, बल्कि वो आलिंगन की प्राप्ति है श्री राधिका का स्मरण करके। ऐसे यमुना के किनारे की बैंत की कुंज में राधा की केली की सुगंध मात्र का ध्यान करके, अब शिवप्रिया जी तो नहीं है परंतु सुगंध का ध्यान करके भी श्री श्याम सुंदर ध्यान में मूर्छित हो रहे हैं। और सुगंध जो है वो सुगंध में जितनी अंतरंग एक रूप में मिलन है वैसा कभी भी श्री अंग के मिलन के द्वारा प्रत्यक्ष में संभव नहीं है। ऐसी गंध में गंध का गंध के साथ में जो मिलना है उनमें मुरारी की जो मूर्छा है वो मूर्छा जो अधिकारी रसिक जन हैं उन अधिकारी रसिक जनों के समूह का कल्याण करती हुई विराजमान हो। अब प्रबल पुलक उद्भेद, प्रबल पुलक इनमें अनुप्रास अलंकार है और स्वभावोक्ति अलंकार है कि रोमांच से भी श्री कृष्ण मूर्छित होकर के विराजमान, ये अतिशयोक्ति, और श्री
महल जो है वो महल रत्नों की अत्यंत अत्यंत छाया से युक्त है। ये तो अतिशयोक्ति अलंकार कि सब तरह से रत्न में भी समुद्र में भी रत्न हैं, दीवार पर भी रत्न जड़े हुए हैं और प्रतिबिंबित होकर के भी रत्न कहीं प्रकाश के माध्यम से भी दीवार पर आ रहे हैं। इस प्रकार पूरी दीवार वह रत्नमय हो रही है, पूरी चार दीवारी परकोटा रत्नमय होकर के विराजमान हो, उसमें भी श्री रुक्मणी जी के श्रीअंग में आभूषण और उनके रत्नों से भी श्री कृष्ण सुशोभित हैं। फिर भी रुक्मणी का आलिंगन वह श्री कृष्ण को रोमांच प्रदान नहीं कर रहा है, जैसा कि ब्रज में श्री विश्वानंदिनी की स्मृति वो प्रदान करती है। और इसी बात को पकड़ करके श्री कृष्ण के अनेक गुणों का जहाँ भक्ति सामय सिंधु में वर्णन किया गया, वहाँ पर श्री राधा रानी के एक गुण का वर्णन किया गया है कि गंधोन्मादित माधवा जय हो। राधा रानी के जहाँ विभिन्न गुण वर्णन किए गए, वहां पर एक गुण है गंधोन्मादित माधवा। अपनी गंध से माधव को भी श्री राधा रानी उन्मत्त कर देने वाली है। और यहां उसी गंध का, गंधोन्मादित माधवा का यहां निरूपण किया गया। ये राधा रानी का स्वभावोक्ति अलंकार, जगत की दृष्टि से कहेंगे तो अतिशयोक्ति हो जाएगा, परंतु राधा रानी की दृष्टि से देखेंगे तो स्वभावोक्ति है यहां पर, क्योंकि वो उनका स्वभाव है, वो उनका गुणी है। अब कह रहे हैं निर्मग्नेन मयांभसि प्रणयतः पाली समालिंगिता केनालीक मिदं तवाद्य कथितं राधे मुधा ताम्यसी इत्युत्स्वप्न परंपरासु शयने श्रुत्वा वचः शार्ङ्गणः रुक्मण्या शिथिलीकृतः सकपटं कंठग्रह पातोवा। अब बड़ी सुंदर एक लीला करण है, अद्भुत लीला का, कि श्री द्वारका के महलों में श्री द्वारकाधीश शयन कर रहे हैं, श्री रुक्मणी जी आपकी सेवा कर रही हैं और श्री कृष्ण को सोते सोते ही निद्रा की स्थिति में ब्रज की लीला का दर्शन कर रही हैं। स्वप्नायित जो हैं उस स्वप्नायित का वर्णन है और स्वप्न में श्री कृष्ण बड़बड़ा रहे हैं, सोते सोते बड़बड़ा रहे हैं। रुक्मणी जी पास में है, शैया पर सेवा कर रही है, रुक्मणी जी पास में है, परंतु श्री कृष्ण को होश नहीं है, कृष्ण सो रहे हैं और सोते सोते बड़बड़ा रहे हैं और कह रहे हैं, बोले हे राधे क्यों मुझसे आप मान धारण कर रही हो, ब्रज की लीला का स्मरण कर रहे हैं, क्यों मेरे साथ में आप मान धारण कर रही हो। शिवप्रिया जी जैसे श्याम सुंदर से बोल नहीं रही हैं, मुंह फेर रही हैं और आप जिधर शिवप्रिया हैं उधर जाकर के उनके सामने अंजलि बांध करके अनुकूल नायक होकर के और कह रहे हैं और अपनी सफाई दे रहे हैं कि किसने तुमको बहका दिया कि मैंने जल केली करते समय जब श्री सारी सखीगण विराजमान हैं तो आपका त्याग करके पाली नाम करके कोई गोपी है नीचे डुबकी लगा करके उस पाली का मैंने स्पर्श किया, ये किसने आपको बहका दिया। अब पाली का स्पर्श करेंगे तो राधा रानी को तो गुस्सा आएगा ही, मान तो धारण करेंगे। तो यहां पर कह रहे हैं कि निर्मग्नेन मयांभसि, जल के भीतर गोता लगा करके छिप करके मैंने पाली समालिंगता, पाली जो है उनका आलिंगन किया, ऐसी बात केन अलीकम इदम, ये बिल्कुल बात झूठ है। तवाद्य कथितम, पंत हे राधिके किसने तुमसे कह दिया कि मैं ऐसी चंचलता कर रहा था, ऐसा कभी हो सकता है तुम्हारे सामने किसी अन्य नायिका का स्पर्श मेरे द्वारा संभव है ही नहीं। आइए श्री चैतन्य चरितमृत के अंत लीला में जल के लीला का जहां श्री महाप्रभु स्मरण करते हैं वहां पर बड़ी सुंदर सुंदर कई भाव दिए गए, उसी भाव का एक भाव यहां पर प्रस्तुत किया गया है कि
श्री चंचल शिरोमणि ये जल में गोता लगा करके पीछे से जाकर के गोपिकागणों के जल के भीतर ही वस्त्र हरण करते हैं। और उस समय सुप्रिया एकदम व्याकुल हो जाती हैं, मेरे वस्त्र कौन खींच रहा है, अंचल पीछे से खींच रहे हैं, कौन खींच रहा है। और उस समय श्री यमुना जी सखी बन करके श्री राधिका की सेवा करती हैं और वे दो तरह से वस्त्र प्रदान करती हैं, कभी तो कमल के पुष्प रूपी वस्त्र को श्री प्रिया को प्रदान करती हैं और कभी जल की लहर रूपी जो वस्त्र हैं उनको प्रदान करती हैं। तो जल की बीजी रूपी वस्त्र या कमल पत्र रूपी वस्त्र को प्रदान करके सखी सखी की रक्षा करती हुई विराजमान होती हैं। तो उसी लीला का स्मरण कर रहे हैं कि श्री प्रिया जो है वो उस समय मांग करेंगे यदि श्री चंद्रावली श्री राधिका से अतिरिक्त अन्य पाली इत्यादि जो वो पाली एक गोपी का नाम है, पाली गोपी जो हैं उनके यदि वस्त्र का श्री श्याम सुंदर आकर्षण जल के भीतर जाकर के चंचल शिरोमणि होकर के वस्त्र का यदि आकर्षण करेंगे तो श्री प्रिया को क्रोध आएगा ही आएगा। तो श्री श्याम सुंदर मानने प्रिया के क्रोध को शांत करने के लिए यहां पर कह रहे हैं कि निर्मग्न मयाम भसी के हे श्री राधिके ये निर्मग्न मैंने जल के भीतर डूब करके अंभसी माने जल में माया माने मैंने मुझ कृष्ण ने जल के भीतर डूब करके निर्मग्न मया अंभसी प्रणयतः प्रेम पूर्वक पाली समालिंगता पाली नाम करके जो गोपी है उनका स्पर्श किया उनका उनका परिभ्रमण किया था उनका आलिंगन किया था। ये बात किस ईर्ष्यालु सखी ने तुम्हारे कान भर दिए हैं, अर्थात ऐसा था ही नहीं, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। तो केना अलीकम इदम ये झूठी बात तवाद्य कथितम किसने तुमसे कह दी। तो ये एक लीला हुई कि जल में घुस करके श्री श्याम सुंदर प्रियाओं के वस्त्रों का आकर्षण करते हैं और उस समय। अब दूसरी लीला है जल के लिए में उसको कहते हैं व्यातुक्षी लीला। व्यातुक्षी लीला का तात्पर्य है कि हाथ से कहीं आकार बना करके जल के छींटे प्रदान करना, छक्का देना, उसको कहते हैं व्यातुक्षी लीला। ये दूसरी लीला है व्यातुक्षी लीला। तीसरी लीला है कि व्यातुक्षी लीला में जिस समय श्री प्रिया उनके नेत्र जल के आवेश से आवृत हो गए हैं उस समय श्री श्याम सुंदर चंचलता करते हुए आप जाते हैं और चंचलता करते हुए श्री प्रिया जो हैं प्रिया ब्रजगोपिकागण उनके वस्त्रों का आकर्षण करते हुए जब विराजमान होते हैं। यहां पर उल्टी बात हो जाती है, यहां पर जो शत्रु है वह शत्रु के मित्र का संरक्षक हो जाता है और मित्र का विरोधी हो जाता है। तो काव्यों में यह कहा गया कि सूर्य को कहा गया है कोक बंधु और चंद्रमा को कहा गया है माने सूर्य के विषय में एक प्रसिद्धि है कि चकवा चकवी दिन में तो मिल जाते हैं कोको कोकी और रात्रि में वे अलग हो जाते हैं। तो यहां पर श्री श्याम सुंदर के मुखचंद उनके श्री प्रिया जो हैं प्रिया के वस्त्रों का जिस समय आकर्षण किया जा रहा है तो चंद्रमा हो गया कोक का बैरी, कुमुद हो गए कोक के बैरी, परंतु श्री प्रियागण कुमुदों के द्वारा, कुमुद माने अपने छोटे हाथ, उनके द्वारा श्री अंग में विराजमान जो कोक हैं चको चकवा उन चकों को स्वस्तिक आकार धारण करके उनको बचाने का प्रयास करती हैं। स्वस्तिक आकार धारण करके
श्री चैतन्य चरितामृत में वो लीला वर्णन की गई है कि यहां पर कोक और कुमुदनी कमल ने ये हो गए विरोध, कुमुदनी हो गए विरोध, कुमुदनी जहां होगी वहां पर कोक नहीं होगा, जहां कोक होगा वहां पर कुमुदनी नहीं होगी, परंतु तो उल्टी बात हो रही है। कोक माने श्री प्रिया के श्रीअंग, उन श्रीअंग की प्रिया अपने श्रीहस्त रूपी जो छोटे कमल हैं, उन छोटे कमलों के द्वारा स्वस्तिक आकार अपने श्रीहस्त को धारण करके कोक की रक्षा कर रही हैं। तो शत्रु शत्रु की रक्षा कर रहा है, जबकि शत्रु शत्रु की रक्षा नहीं करता है, शत्रु शत्रु को मारता है, परंतु यहां पर शत्रु शत्रु की रक्षा करता है। ये भाव वहां प्रकट किया है। तो यहां पर भी यही हो रहा है कि जब श्री श्याम सुंदर आप श्री प्रिया उनके वस्त्रों का आकर्षण करते हुए जल केली में विराजमान हैं, उस समय श्री प्रिया स्वस्तिक आकार अपने श्रीअंग को धारण करते हुए, स्वस्तिक का आकार बनाते हुए अपने हाथों से अपने श्रीअंग का आवरण करते हुए श्री स्वामिनीगण विराजमान हैं, और स्वामिनीगण विराजमान होकर के वे जब विराजमान हैं तो श्री प्रिया राधा रानी उनमें मांग उत्पन्न हो गया कि मेरे हमारे प्रति अनुरक्ति न रखते हुए तुमने पाली के प्रति अनुरक्ति कैसे दिखाई, पाली के पास में जाकर के उनके वस्त्र इत्यादि का आकर्षण करते हुए चंचलता कैसे दिखा रहे थे, तो प्रिया नाराज हो रही हैं। तो श्री श्याम सुंदर स्वप्न में उस लीला का दर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं राधे मुधा ताम्यसी, हे श्री राधिके क्यों तुम व्यर्थ में ही गुस्सा कर रही हो, क्योंकि किसने तुम्हारे कान भर दिए हैं कि मैंने जल के भीतर छुप करके पाली का आलिंगन किया था, ये किसने बशा ही तुमसे कह दिया है। इति स्वप्न परंपरा से शयने, इस प्रकार स्वप्न की परंपरा में शयन में श्रुत्वा वच शारंगण, श्री शारंगणी कृष्ण उनके वचन को सुना। कहीं तो भगवान के चार आयुधों में, द्वारकाधीश के चार आयुधों में शंख चक्र गदा पद्म है, और कहीं शंख चक्र गदा शार्ग है, शार्ग माने धनुष, धनुष का नाम है। तो पद्म के स्थान पर कहीं शार्ग का ध्यान किया गया है, कहीं पद्म के स्थान पर पद्म का ध्यान है, कहीं पद्म का ध्यान है, कहीं शार्ग का ध्यान। तो शार्ग है उन श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर के रुक्मण्या शिथिली करता है, श्री रुक्मणी जी वे श्याम सुंदर की जब भुजमाल के द्वारा श्याम सुंदर का पूजन करने के लिए प्रस्तुत हुई तो उनकी भुजमाल शिथिल हो गई। श्री महावाणी जी के पद्धति में माला शब्द कहीं भी आएगा तो माला के दो अर्थ ही रसकों ने वाणी साहित्य में लिए हैं। ऊपर से देखने में अनधिकारी तो यही समझेंगे श्याम सुंदर ने माला पहन रखी, माला माने माला, परंतु उस माला का कहीं अंतरंग जो अर्थ है वो तत्वतः भुजमाल ही है, चरण या भुजा इनको ही माला के रूप में कहीं वाणी साहित्य में प्रस्तुत किया गया है रसिक जन्म की वाणी। तो वो श्री कृष्ण की जो श्री रुक्मणी जी का जो श्री श्याम सुंदर को भुजमाल से अलंकृत करना वह कहीं शिथिल हो गया। तो रुक्मणी जी के मुख के ऊपर फीकापन देख करके, मुख पर चमक न देख करके श्री राधिका श्री कृष्ण उस समय रुक्मणी जी कहीं नाराज नहीं हो जाए इसलिए सकापट कम कंठग्रह पातवा, श्याम सुंदर ने श्री रुक्मणी जी का कपट पूर्वक कंठ ग्रहण किया, परंतु कपट पूर्वक कंठ ग्रहण करने पर भी वह आ गया, कपट पूर्वक का कंठ ग्रहण करने पर भी वो कंठ ग्रहण करना रसप्रद नहीं हुआ। अलग पता लग जाता है कि कौन सा नाटक है और कौन सा यथार्थ है, ये अलग पता लग गया है। तो यहां पर ये
रुक्मणी जी में मान उत्पन्न होगा, मान उत्पन्न होने पर रुक्मणी जी श्री द्वारकाधीश के कंठ को छोड़ेंगे, परंतु कंठ को छोड़ने पर भी अलग पता लग जाएगा कि रुक्मणी जी नाराज हैं, तो नाराज रुक्मणी को मनाने के लिए श्री श्याम सुंदर रुक्मणी के कंठ को ग्रहण करेंगे, परंतु रुक्मणी जी अलग पहचान जाती हैं कि कहाँ तो प्रेम के वशीभूत होकर के मेरे कंठ को ग्रहण कर रहे हैं और कहाँ ये दिखावा कर रहे हैं। तो रुक्मणी जी के साथ में जो श्याम सुंदर ने दिखावा किया वो सब हम भक्तगणों का कल्याण करें। दोबारा सुन ले, श्याम सुंदर अपनी प्रिया के श्री शयन कर रहे हैं, श्याम सुंदर द्वारका में शयन कर रहे हैं और शयन करते हुए स्वप्न में ही बड़बड़ा रहे हैं कि हे राधिके, ब्रज का ब्रज लीला का दर्शन कर रहे हैं कि हे राधिके तुम क्यों व्यर्थ में ही नाराज हो रही हो, ताम्यसी मने नाराज हो रही हो कि मैंने निर्मग्नेन भयाम भसी, मैंने जल केली में जल के भीतर घुस करके पाली समालिंगता, पाली नाम करके जो गोपी है उसका आलिंगन किया था। हाय ये कौन है जो अनावश्यक अलीक रूप में झूठ रूप में केन अलीकम इदम तवाद्य कथितम, जो तुमसे शिकायत करता रहता है और हमारे तुम्हारे बीच में जो प्रीति है उस प्रीति में बाधा डालने वाला ये कौन प्रीति का असहिष्णु व्यक्ति है जो कि ऐसी शिकायत तुमसे करता है। ये बात श्याम सुंदर ने स्वप्न में कही। श्री रुक्मणी जी पास में शयन कर रही हैं, विराजमान है, चरण पलोट रही हैं, तो चरण पलोटते पलोटते श्याम सुंदर के इन स्वप्नायत को श्रवण करके रुक्मणी जी जान गई कि श्याम सुंदर की मुझ में प्रीति नहीं है, आहा वो ब्रज की ब्रज गोपिका परम परम धन्य है जो वो आनंद पूर्वक श्याम सुंदर की सेवा करती हैं और श्याम सुंदर स्वप्न में भी जिनकी लीला का दर्शन करते हैं। ऐसी स्थिति में स्वप्न परंपरा में श्याम सुंदर के वचन को सुनकर के शारण है, श्याम सुंदर के वचनों को सुनकर के श्री रुक्मणी जी ने अपनी भुजाओं को शिथिल कर दिया। श्याम सुंदर को अब होश आया, उनकी नींद खुल गई और नींद खुलने पर होश आया कि श्री रुक्मणी नाराज हो रही हैं, मान धारण कर रही हैं, इसलिए श्याम सुंदर ने कपट पूर्वक श्री रुक्मणी जी के कंठ को ग्रहण किया, परंतु रुक्मणी जी पहचान गई कि यह तो केवल नाटक हो रहा है, तत्वतः इनकी प्रीति मुझ में नहीं है। यहां पर उस भाव को श्रीमद् भागवत के एक भाव को प्रस्तुत किया गया कि उद्दाम भाव, ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है, उद्दाम भाव पिशना मल बल्ग हासो ब्रीडा बलोक निहितो मदलोप यासम संभुय ताप मजहात प्रमदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकैर्न शेको। श्लोक का भाव बड़ा सुंदर है, सुखदेव जी का वचन ये बड़े सुंदर है। उसमें वे कह रही हैं, सुखदेव जी कह रहे हैं कि श्याम सुंदर कामी नहीं है, श्याम सुंदर प्रेमी है। जहां प्रेम है वहां तो श्याम सुंदर वशीभूत हैं, जहां प्रेम नहीं है यदि कोई सुंदरी अपने सौंदर्य के द्वारा या अपने हाव भाव कटाक्ष के द्वारा श्याम सुंदर को मोहित करना चाहे तो यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकैर्न शेको, कुहक माने दिखावा, दिखावे के द्वारा श्याम सुंदर की इंद्रियों को वशीभूत करने में कोई भी विश्व की कोई भी नारी संभव नहीं है, समर्थ नहीं है, क्योंकि श्याम सुंदर कामी है ही नहीं, वे केवल प्रेम से वशीभूत होते हैं। प्रेम है तो श्याम सुंदर वशीभूत होंगे, प्रेम नहीं है तो श्याम सुंदर वशीभूत नहीं होंगे। अब द्वारका में भी किसी गोप महेशी में प्रेम है और दूसरी महेशी में उस समय उतना प्रेम नहीं है, परंतु वो एक विचार करे तो वो सत्यभामा के वशीभूत श्याम सुंदर इतने ज्यादा हैं और मुझे रुक्मणी के वशीभूत नहीं है। इस समय सत्यभामा में वे ज्यादा आ सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में यदि रुक्मणी नाटक करके श्याम सुंदर के प्रति प्रेम दिखाना चाहें, हाव भाव कटाक्ष इनको प्रस्तुत करना चाहें, तो श्याम सुंदर कभी भी रुक्मणी के वशीभूत नहीं होंगे, सत्यभामा के वशीभूत रहेंगे।
जब रुक्मणी में अपना भाव होगा, प्रीति का भाव होगा, तब तो वे वशीभूत होंगे। परंतु प्रीति का भाव नहीं है और कोई कितनी भी कुशलता से, कितनी भी स्किल के साथ में, कुशलता के साथ में यदि अपने प्रेम के का दिखावा करे, नाटक करे, तो श्याम सुंदर उससे वशीभूत नहीं होते हैं। तो श्लोक का अर्थ है उद्दाम भाव, उठा हुआ जो भाव, उसकी पिशुन माने सूचना देने वाले, अमल बल्गु हास, बल्गु हास भी है सुंदर, बल्गु माने सुंदर, सुंदर हास भी है, जिस हास को देख करके निहितो मदनोपि आसाम सम्मुह साक्षात कामदेव भी इन गोप महषियों के उस सौंदर्य को, उनके दिखावे के हास को देख करके भी अपने अस्त्र को छोड़ दे कि हाय मेरा अस्त्र कहाँ प्रभावशाली, मेरे अस्त्र में इतनी दम नहीं है, मेरे पंचबाणों में, जैसी इन महषियों के मुख की मुस्कान में, इनके कटाक्ष में जैसी सामर्थ्य है, तो कामदेव भी जिनसे पहले ही हार मान चुका है, ऐसे सर्वश्रेष्ठ प्रेम के लक्षणों को यदि श्याम सुंदर प्रकट भी करे, कोई महषि प्रकट भी करे, तब भी श्याम सुंदर उसके वशीभूत नहीं होते हैं। निष्कर्ष ये हुआ कि कृष्ण प्रेमी हैं, कृष्ण कामी नहीं हैं, कि किसी कामनी के कटाक्ष इत्यादि के द्वारा वे मोहित हो जाए। तो यहां पर यही कह रहे हैं कि यदि सकपटम कंठक ग्रह पात्र वह, सकपटम की व्याख्या है कि यदि कपट, इसी तरह से कृष्ण यदि कपटपूर्वक रुक्मणी जी के कंठ को ग्रहण करें तो रुक्मणी जी को सुख की प्राप्ति नहीं हो रही है। वे समझते हैं कि हाँ मैं सेवा करने में असमर्थ हूं, निःसुख तो है ही नहीं, जितनी भी कृष्ण लीला है उसमें अपना सुख तो है ही नहीं, सर्वत्र प्यारे का सुख है। तो रुक्मणी जी मन में विचार कर रही है हाय आज मैं कृष्ण की सेवा नहीं कर सकी, प्यारे की सेवा पूरी तरह से नहीं कर सकी। ऐसा विचार करके रुक्मणी जी अपने धनुष को, रुक्मणी श्री कृष्ण वे व्याकुल हो जाते हैं और रुक्मणी जी को सुख की प्राप्ति नहीं होती है, संतोष की प्राप्ति नहीं होती है। तो नमग्ने न मैं आम्भसे प्रणय तब पाली समालिंगता, मैंने जल में डूब करके पाली का आलिंगन किया था, हे राधिके किसने ये झूठ मूठ तुमसे कह दिया जिसके कारण तुम क्रोध कर रही हो। ऐसे स्वप्न के समय श्री राधे कृष्ण के वचन को शैया के ऊपर सुनकर के शारण श्री श्याम सुंदर का रुक्मणी के द्वारा शिथिली करता, रुक्मणी ने जब आलिंगन को शिथिल कर दिया उस समय रुक्मणी को मनाने के लिए कृष्ण ने कपटपूर्वक रुक्मणी का आलिंगन किया, परंतु रुक्मणी जी का आलिंगन करने पर भी रुक्मणी जी संतुष्ट नहीं हुई। ऐसा कपटपूर्ण आलिंगन हम सब भक्तगणों की रक्षा करें। ये सकपटम रुक्मण्याश शिथिली कृतः सकपटम कंठक ग्रह पातुवा, अनुप्रास अलंकार का सब्जी का सुंदर प्रयोग है ये। और ये स्वभावोक्ति अलंकार का वर्णन है। आगे करें वृंदावनाधीश्वरी विरह गीतम, श्री वृंदावन अधीश्वरी वे विरह में गीत गा रही हैं कि याते द्वारवती पुरम मधुरपौ तद वस्त्र संभ्यानया कालिंदी तटकुंज बंजुल लता मालंब्य सोत्कंठया उद्गीतम गुरुबाष्प गदगद गलत तारस्वरम राधया ये नांतर जलचार भिर जलचरई कृतकंठ मुत्कूजितम। अब श्री राधिका की दशा का दशा देखकर के विरह दशा के द्वारा आसन्न जनता हृदय विलोडनम, महाभाव का एक लक्षण वर्णन किया गया कि निमेशा सहता, महाभाव के कुछ लक्षण वर्णन किए गए। एक लक्षण है निमेशा सहता माने पलक का गिरना भी राधा रानी को असह्य हो जाता है। फिर दूसरा एक लक्षण वर्णन किया गया महाभाव का आसन्न जनता हृदय विलोडनम, पास में जो भी जनता है उसका हृदय व्याकुल हो जाए। यहां पर उसी का वर्णन किया जा रहा है कि श्री वृंदावनाधीश्वरी उनके विरह को देख करके श्री यमुना जी में जो मछली, जो कारंडव, जो हंस, जो जल कुक्कुट, जल के जो जीव हैं,
वे भी राधिका के विलाप को देकर के उच्च स्वर से विलाप करने लगते हैं। आसन्न जनता हृदय रूपम, श्री राधा रानी का विलाप केवल उनको ही दुखी नहीं देने वाला है बल्कि जो भी उस विरह को सुनते हैं वे पशु पक्षी भी व्याकुल हो जाते हैं और वे भी पुकारने लग जाते हैं। उसका वर्णन किया गया कि याते द्वारवती पुरम, श्री कृष्ण जब द्वारका गए, मुर्रपौ मुर्रपु श्री कृष्ण जब द्वारका गए तो तद वस्त्र संभ्यानया, श्री राधिका को श्याम सुंदर ने जो वस्त्र सेवा पधराई। ओहो, अनेक अनेक जगह ठाकुर के समान ही ठाकुर की प्रसादी वस्तु को भी ठाकुर ही माना गया और उसका पूजन किया गया। अनेक जगह ठाकुर जी के मुकुट पूजित हैं, अनेक जगह उनकी माला, अनेक जगह उनके वस्त्र पूजित हैं। और कहीं कहीं ये वर्णन आया है, कवियों ने भी वर्णन किया है, कहीं शास्त्र में भी है कि उद्धव के द्वारा श्री कृष्ण ने अपने वस्त्र को, कोई वस्त्र को, प्रतीक चिन्ह को, स्मरण चिन्ह को श्री ब्रज में भेजा और श्री प्रिया उस वस्त्र को ही धारण करके उसको ओढ़ करके आप विराजमान हैं और वस्त्र का आलिंगन करके ऐसा लगता है प्रिया को जैसे श्याम सुंदर ही मुझे अपने भुज पाश में बांधे हुए हैं। तो श्री प्रिया तो धारण करती हैं पीतांबर और श्याम सुंदर, श्री प्रिया नीलांबर धारण करती है, माने श्याम सुंदर के अंग कांति को धारण करती हैं नीलांबर को, और श्री श्याम सुंदर वे पीतांबर धारण करते हैं, मानो प्रिया की अंग कांति को श्याम सुंदर धारण कर रहे हैं। प्रिया की अंग कांति श्याम सुंदर को आवृत किए हुए है और श्याम सुंदर की अंग कांति श्री प्रिया को, तो नीलांबर धारण करके श्री प्रिया जी विराजमान। जाड़े के दिनों में प्रिया जी का जो ध्यान है वो है रक्तांबर और गर्मी के दिनों में जो प्रिया जी का ध्यान है वो प्राय नीलांबर का ध्यान। गर्मी के दिनों में नीला रंग आंखों को ठंडक देता है और लाल रंग वो जाड़े के दिनों में कहीं गर्मी देता है, इसलिए जाड़े के समय रक्तांबर और गर्मी के ऋतु में शिवप्रिया प्राय नीलांबर। यो तो सब रंग धारण करेंगी ऐसा नहीं है, परंतु विशेष रूप से ही है। तो यहां पर यही कह रहे हैं कि याते द्वारवती, द्वारका जाने पर मर्दोपोक श्री कृष्ण के तद वस्त्र संभ्यानया, श्री राधिका श्याम सुंदर के नीलांबर को धारण करके ओढ़ करके विराजमान है और नीलांबर से अपने आप को संभ्यानया, माने नीलांबर का नीला जो पटका है उस पटका को ओढ़कर श्री राधिका विराजमान है। संभ्यान माने घूंघट। तो तद वस्त्र, श्याम सुंदर का जो वस्त्र है उससे समयान्या मन घूंघट लगा करके श्री राधिका विराजमान है। कालिंदी तट कुंज बंजुल लता लताम आलम्ब्य, कालिंदी के तट की जो बंजुल लता माने अशोक की लता है, उन अशोक की लता का आलम्बन लेकर के श्री राधिका उत्कंठित होकर के विराजमान है। बंजुल जो लता है उस बंजुल लता का आलम्बन लेकर, बंजुल लता उसको पकड़ करके विरहिणी खड़ी हुई है। विरहिणी का जहाँ काव्य शास्त्र में वर्णन किया गया वो ये है कि उस पर सीधा सीधा खड़े नहीं हुआ जाता है, विरह में इतनी दुर्बल हो गई है, ऐसी स्थिति में कोई लता आ रही है, लता की को पकड़ करके विरहिणी खड़ी होती है। वृक्ष के लिए बिटप शब्द का प्रयोग है नायक की दृष्टि से, बिट माने उपपति, उसका जो पालन करे उसका नाम है बेटप। तो श्री श्याम सुंदर प्रिया की प्रतीक्षा करते हुए किसी वृक्ष के नीचे खड़े होकर के वृक्ष का आलम्बन करता, वृक्ष के नीचे खड़े होकर के बाहर देखते हैं कि श्री स्वामी जी अब आती होंगी, कोई उनकी सखी आती होगी, दूती आती होगी। तो महाशय जी प्रतीक्षा करते हुए वृक्ष के नीचे खड़े होते हैं, इसलिए वृंदावन के वृक्ष श्याम सुंदर की भी रक्षा करने वाले हैं, जगत के रक्षक के रक्षक होकर के विराजमान हैं। बोले श्री वृंदावन धाम की जय। ये वृंदावन के वृक्षों की विशेषता है,
कि वे बिटप होकर के बिट जो श्याम सुंदर उनका पालन करने वाले होकर के विराजमान है और विरह में उनको आश्रय देते हैं। तो जो विरही व्यक्ति को आश्रय प्रदान करे उसका नाम है बिटप। बिट माने उपपति और प माने पालन करने वाला और श्री राधिका भी अपनी कुंज में वृक्ष जो है उन वृक्ष के की डाली को पकड़ करके आलम्बन करती हुई विराजमान होती हैं। तो याते द्वारवती जब द्वारका में श्री श्याम सुंदर चले गए उस समय श्री मुर्रपु कृष्ण तद वस्त्र संभ्यामया श्री कृष्ण के पटका को ओढ़ करके दिए गए वस्त्र जो भिजवाए उन वस्त्र को ही कृष्ण समझ करके उनको ओढ़ करके विराजमान है। श्याम सुंदर की प्रत्येक वस्तु वो कहीं श्याम सुंदर का ही स्वरूप है और रसकों ने उसको दूती रूप में वर्णन किया, परंतु दूती रूप में वर्णन करने पर भी कभी तो वो दूती है, लीला में जब है, लीला के बाहर जब आएंगे तो वो दूती नहीं रहेगी, तब वो कहीं प्रसादी कृपा की वस्तु हो जाएगी। बस जैसे श्याम सुंदर ने अपनी माला प्रिया जी को धारण कराई तो माला रूपी दूती प्रिया के संदेश को लेकर के श्याम सुंदर तक पहुंची, ये भाव होगा। प्रिया की माला श्याम सुंदर पर पहुंची, उस समय माला दूती है, परंतु श्री प्रिया जी ने अपनी माला उतार करके श्री विशाखा जी को दी, विशाखा जी ने दासी को दी, उस समय वो कृपा है, उस समय वो दूती नहीं। फिर उस माला की मैं ऐसे दूती रूप जो है वो अंतर्धान हो गया, फिर वो लीला है, फिर लीला के अनुसार फिर वो वस्तु की जो लीला होगी वो लीला होती रहेगी। माला माला कोई फिर रखी जाएगी, उसको कहीं आदर पूर्वक रख देंगे, फिर उसकी जो लीला होगी वो उस प्रकार से वो अंतर्धान हो जाएगी लीला। परंतु लीला में जब भी विराजमान है तब प्रत्येक वस्तु दूती रूप होकर के ही विराजमान है। और श्री श्याम सुंदर ने भी अपने वस्त्र को श्री प्रिया के लिए दूती रूप में भिजवाया, वो दूती के समान ही वो स्मृति चिन्ह के रूप में विराजमान हुई और श्री प्रिया उसको धारण कर रही हैं श्याम सुंदर के रूप में ही, जैसे श्याम सुंदर के आलिंगन के रूप में ही उसको धारण कर रही हैं। ये अंतर है दोनों। कालिंदी तट बंजुल लताम आलम्ब सोत्कंठ है श्री राधिका, कालिंदी तट की जो अशोक कुंज है उस अशोक कुंज का आलम्बन लेकर के विराजमान है, उद्गीतम और उच्च स्वर से गायन कर रही हैं, विरह में लज्जा नहीं है, वहां पर उच्च स्वर से गायन है और विरह में गुरुजनों के आगे भी श्याम सुंदर का नाम लेकर के गोपियां गायन करती हैं। जैसे मथुरा जिस समय श्याम सुंदर जा रहे हैं उस समय श्रीमद् भागवत में वर्णन किया गया कि विसुज लज्जाम रुसुष्म सुस्वरम गोविंद दामोदर माधवी, वहां पर संकोच नहीं है, गुरुजन भले खड़े हैं ठीक है जो तुम करना हो कर दो, उसमें चिंता नहीं है गुरुजनों की, परंतु मिलन काल में कहीं लज्जा रहती है, विरह काल में लज्जा समाप्त हो जाती है, ये रस की बात है। तो उद्गीतम, उद्गीतम मतलब लज्जा का त्याग करके उस समय शुक्रिया गा रही है, गुरु पाष्प गदगद गलत तारस स्वरम श्री गुरु बाष्प, बाष्प माने आंसू, निरंतर उनके नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं और गदगद तारस स्वरम, गदगद होकर के तारस स्वर से वे गायन कर रही हैं, उच्च स्वर में गायन कर रही हैं, ऐसी श्री राधिका के द्वारा ये जो गायन किया गया उद्गीत जो गायन किया गया वह तेन अंतर जलचर भीड़ जलचरी, जल के भीतर रहने वाले जितने भी जलचर थे, जलचारी जलचर जो थे, उन जलचरों ने भी उत्पूजितम उसी गीत को दोबारा गाया, उन्होंने भी उस गीत को दोबारा गाया है, उच्च स्वर से गायन किया है। उस समय श्री ब्रज देवीगण संदेश देती हुई कह रही हैं कि पांथा द्वारवती प्रयास यदि
तद्देवकी नंदनो वक्तव्य स्मर मोह मंत्र व्यवसा गोपियोंपि नामोज्झता एते केल कदंब धूल पटलई आलोक शून्या दिशा कालिंदी तटभूमेयोपि भवतो नायांति चित्तास्पदम। कि अरे पांथ, अरे राहगी, द्वारवतीं प्रयास यदि, यदि तू द्वारका की ओर जा रहा है तो हे पांथ, तब देवकी नंदनो वक्तव्यः, तो देवकी नंदन से ये हमारा संदेश कह देना, हमारी ये शिकायत देवकी नंदन के पास में पहुंचा देना। कि स्मर मोह मंत्र विभिषा गोपियों पे नामोज्झता, के कामदेव के मोहन मंत्र से जो गोपियां विवश हो गई थी, काम माने ब्रज में प्रेम, प्रेम कामाना रामानाम काम इत्यक मत प्रथम, ब्रज में काम शब्द का अर्थ प्रेमी है, तो प्रेम के जो मोहन मंत्र उससे जो गोपियां विवश हो रही हैं, श्याम सुंदर ऐसी क्या बात हुई कि नामोज्झता, उन आपने उन गोपियों का नाम लेना भी छोड़ दिया है। एते केल कदंब धूल पटलई आलोक शून्या दिशा, हाय गोपियों का नाम छोड़ दिया, कोई बात नहीं छोड़ दिया होगा, परंतु तुमको ब्रज की तो याद आनी चाहिए ना। एता केल कदंब धूल पटलई, ये दिशा मान ये दिशाएं, केल कदंब की धूली के समूह से युक्त हो रही हैं, माने कदंब के जो पुष्प हैं उनमें से पराग जो झड़ते हैं, उन पराग के झड़ने पर ऐसा होता है जैसे धूली सर्वत्र छा गई है, तो केल कदंब की धूली से के समूह से आलोक शून्य जितनी भी दिशाएं हैं वे भी आलोक शून्य हो गई हैं, उनमें प्रकाश नहीं हो रहा है, वे कहीं धूल से धूसरित हो गई हैं। कदंब वृक्षों के पराग की धूल से सारी दिशाएं आवृत हो गई हैं। कालिंदी तट भूमि है, और कालिंदी तट की ये भूमि भवतो नायांत चित्तास्पदम, क्या कालिंदी तट की ये भूमि आपके चित्त में भी नहीं आती है? अरे हमको भुला दिया, कोई बात नहीं, हम कौन होती हैं, हमको काय को याद करोगे, ओलाहना कि हमारी हमको क्यों याद करोगे, परंतु कम से कम वृंदावन की तो याद करो, जहां पर तुम बढ़े हो पले हो उस वृंदावन की भी याद नहीं करते हो, क्या कालिंदी तट की ये भूमि भी तुमको कभी नहीं आती है, ध्यान में नहीं आती है? दोबारा सुन ले, अरे पांथ, हे पांथ, अरे राहगीर, द्वारवतीं प्रयासी, ये तुम द्वारका जा रहे हो तो तद देवकी नंदन वक्तव्य, तो उन यशोदा नंदन से ये कहना। अब क्योंकि प्रेम संदेश है, उलाहना है, इसलिए बात को छिपा करके श्लेष में कहा जाएगा। यशोदा नंदन कहने पर जान कोई दूसरा व्यक्ति सुन ले तो वो टोकेगा, कहीं बहस करने के लिए आ जाए कि भाई कृष्ण तो हम देवकी के पुत्र हैं, परंतु हम जानती हैं कि देवकी नंदन का तात्पर्य यशोदा नंदन है, द्वे नामनी नंद जाया, यशोदा देवकी तथा नंदित जाया, उनके ही यशोदा और देवकी ये दो नाम, तो देवकी नंदन ये कह रही है, पर छुपा करके कहना है, इसलिए मथुरा की संकेत की भाषा को कह रही है कि देवकी नंदन से ये हमारी बात को कहना कि कामदेव के मोह के मंत्र से विवश हुई ये गोपी, उनका तो आपने नाम लेना भी भुला दिया है, नाम भी नहीं लेते हो। एता केल कदंब धूल पटलई, ये केली कदंब की धूल के समूह के द्वारा आलोक शून्य दिशा, जितनी भी दिशाएं हैं वे सब आलोक शून्य हो रही हैं, प्रकाश से शून्य हो रही हैं। कालिंदी तटभूमे, कालिंदी की तटभूमि भवतो नायांत चित्तास्पदम, क्या इनका भी तुम याद, इनकी भी तुम याद नहीं करते हो? ते गोवर्धन कंदरा स यमुना कच्छा सचेष्टो बटो भांडी रह स वनस्पति ही सहचरा तच्च गोष्ठांगणम किं ते द्वारवती भुजंग हृदयम नायाति दोषई अपि
इति आतव्य हृदय दुस्साहम ब्रज वधु संदेश शल्यम हरे। हे श्री श्याम सुंदर ते गोवर्धन कंदरा, गोवर्धन की वे कंदराएं जहां जो हमारे मिलन की साक्षी होकर के विराजमान है। स यमुना कच्छ, यमुना का वो किनारा, सचेष्टो बट भांडीरा, वो भांडीर बट सचे इष्ट जो परम प्यारा है ऐसा इष्ट भांडीर बट, सब वनस्पति ही वृंदावन के वे वृक्ष, सहचरा वृंदावन के वे सखा, तच्च गोष्ठ आंगनम और गोष्ठ का वो आंगन, किंते द्वारवती भुजंग, अरे द्वारका के भुजंग माने प्यारे, भुजंग शब्द का अर्थ होता है सर्प, भुजंग शब्द का दूसरा अर्थ होता है उपपति पैरामाउंट, उसको भी भुजंग कहते। तो अरे द्वारवती भुजंग, अरे द्वारका में रहने वाले हमारे प्यारे द्वारवती भुजंग, हृदय नायात दोषई अपि, ये वृंदावन की सारी वस्तुएं भले दोषई दोष से युक्त हैं, ठीक है हमने इतना हमारे वृंदावन में उतना वैभव नहीं है, परंतु तेरे हृदय में क्या ये नहीं आती हैं क्या? दोषई अपि इति अव्यात वह, ऐसे वृंदावन की ये सारी वस्तुएं अव्यात वह, हम सब भक्तगणों का संरक्षण करें। अव्यात वह, वह माने आप लोगों का, आप वैष्णवों का संरक्षण ये सारी वस्तुएं कहें करें। हृदय दुस्साहम ब्रज वधु संदेश शल्यम हरे, और उसके साथ साथ ये वस्तुएं भी रक्षा करें, और हृदय में दुस्साह जो श्री श्याम सुंदर का के प्रति ब्रज वधुओं ने संदेश दिया, वो संदेश भी आपकी रक्षा करें। गोपियों के द्वारा जो संदेश दिया गया है वो संदेश भी आप लोगों की रक्षा करे। तो हृदय दुस्साहम, गोपी जिसको हृदय में सहन नहीं कर सकती हैं, ऐसे ब्रजवधूजनों के द्वारा श्याम सुंदर को जो संदेश दिया गया, अब वो संदेश श्याम सुंदर के हृदय में कहीं शल्यम माने बाण की तरह से चुभता होगा, चुभने तो चुभे तो सही, क्यों नहीं चुभ रहा है? तो श्याम सुंदर गोपियों के द्वारा दिया गया वह संदेश जो गोपियों के श्याम सुंदर के हृदय में शल्य रूप में विराजमान है, वह शल्य आप लोगों की रक्षा करे। शल्य तो प्राणहरण करने वाला है, परंतु यहां पर कह रहे हैं वो शल्य रक्षा करे। ये गोपियों ने जो संदेश रूपी बाण भेजा है, ये मेटाफर रूपक अलंकार है कि संदेश शल्य, संदेश रूपी ये त्रिशूल जो श्याम सुंदर के हृदय में चुभ रहा है, वो सब हम भक्तगणों की रक्षा करे। अर्थात श्री श्याम सुंदर की ब्रज गोपिका गणों में ही अपूर्व प्रीति है, यह बात जगत की सब भक्तगणों की रक्षा करे। ये रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग, और शल्य रक्षा करे, उल्टी बात, शल्य प्राणहारी होता है, परंतु यहां पर कहा गया है शल्य रक्षा करने वाला हो जाए, कि भक्तगणों को जो ब्रज जनों के अंगत होकर के विराजमान, उनको सना ही ये बात संतोष देने वाली होगी कि श्री कृष्ण ब्रज की याद करते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधेश, जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय श्री राधारमण हरि गोविंद जय जय निताय गौर हरि 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 धन्यवाद महाराज धन्यवाद जय 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 बहुत बहुत धन्यवाद।
राधेश्याम।